रानी कैकेयी ने बताया कि मैंने तेरे लिए रास्ता साफ कर दिया। कैसे? कि मैंने राजा दशरथ से वचन मांगे, क्योंकि मेरे वचन उधार थे उनके पास में, और तेरे लिए राजगद्दी मांग ली, वरना तू पूरी जिंदगी रामचंद्र का दास बन करके रहता। तेरे लिए राजगद्दी मांग ली और रामचंद्र को मैंने 14 साल का वनवास मांग लिया, इसलिए प्रजा विद्रोह भी ना करेगी और तू आराम से हंसी खुशी राज भोगना बेटे। और पूछने लगा कि मेरे पिता कहां है, तो बता दिया कि तेरे पिता तो हाय राम करते करते स्वर्गवासी हो गए, परलोक चले गए, तेरे पिता इस दुनिया में नहीं है। जब ये बात सुनी तो राजा दशरथ के बारे में जब ये सुना कि पिता आज परलोक सिधार गए हैं, तो भरत को बहुत दुख हुआ और भाई रामचंद्र के वन जाने का भी बहुत ज्यादा दुख हुआ। एक बात के द्वारा अपनी माता से किस तरह से आज क्या कह रहे हैं भरत, सुनेंगे इस रागनी के द्वारा। आइए भाई उदयवीर चौहान जी और जयवीर भाटी दोनों कलाकार इस रागनी को हम आपके बीच में प्रस्तुत करने जा रहे हैं, किस तरह से भला। हत्यारी तने आज बदल दिया।
राम बनो को काट दिए, जिसमें राम बसे मेरे श्री राम बनो को काट दिए। ओ मेरे चेहरे पे थूके से ही आज पिता भी परलोक से धार गए। किस तरह से क्या कह रहे हैं भरत माता के कई से अपने प्राण